अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद स्टाइल आर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे। तो आज की जो वीडियो है, इंतहाई खूबसूरत तरीके से चौक दामन बाजू पर जो है वो मोती लगाना सीखने की है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्टेप बाई स्टेप आपको ये जो ट्यूटोरियल दिखाया गया है कि किस तरीके से आप मोती को अटैच करके अपना स्कार्फ में, बाजू में, स्लीव्स में, दामन में और नेक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और बहुत ही आराम आराम से आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत ही आसानी के साथ जो है आप एक खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब चादर पे भी लगा सकते हैं, जो ओढ़ने की चादर होती है, मामा हिजाब जो होता है, तो आप उस पे भी लगा सकते हैं ये डिज़ाइन। और सो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी देखते हैं वीडियो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। 7 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप क्रिस्टल पर्ल और लगा सकते हैं दामन पे और स्लीव्स पे और जो है वो चौक दामन पे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ आपको बताया गया स्टेप बाई स्टेप। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी, एंड तक ज़रूर देखें। ये जो हाफ फ्लावर डिज़ाइन है, ये जो है आप अपनी चादर पे भी बना सकते हैं, जो ओढ़नी की चादर होती है। मुस्लिम अमूमन जो है हिजाब जो करती हैं ख़वातीन, वो जो है अपनी चादर पे ही इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। और ये दामन पे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे आपकी बेटी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी फ्रॉक्स पर भी आप जैसे घेरे में बना के लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी जो है ये हाफ फ्लावर जो है डिज़ाइन आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है वो 4 छोटी मोतियां लेनी है, फिर उसके बाद बड़ी मोती लेनी है ब्लू कलर की, फिर 2 मोती लेनी है। और नीचे जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें से गुजार के निकालनी है ये पिन को। ये जो 2 मोती हैं, इसमें से जो है सुई डाल के निकालना है। और ये देखें, आपका ये डिज़ाइन एक खूबसूरत क्रिएट हो गया है। बहुत ही सिंपल ईजी तरीका है। जैसे आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही आसानी के साथ आप एक पर्ल जो है वो अटैच करके खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। स्लीव्स पे भी बना सकते हैं और दुपट्टे के कोनों पे भी बना सकते हैं, चौक पे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि ये किस तरीके से लगा सकते हैं आप एक पर्ल को अटैच कर सकते हैं शर्ट में, स्लीव्स पे। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये 7 डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएंगे। आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये वाली, तो इसमें जो है वो 15 छोटी मोती लेनी है और एक बड़ा मोती लेके जो है वो गुजारनी है। वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी भी मोती लेके, जितना आपको फासला रखना है उस हिसाब से आप मोती ले लीजिए। इसमें 15 मोती लेने के बाद, एक बड़ा मोती लेने के बाद जो है वो अटैच किया गया है शर्ट में। तो ये एक नया जो है डिज़ाइन क्रिएट किया गया। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, इसमें 4 मोती लेनी है, फिर एक बड़ा मोती लेनी है, फिर उसके बीच में से एक मोती में से सुई गुजारनी है, और फिर उसके बाद जो है आपको 4 और मोती लेनी है, फिर उसको नीचे जो है दामन पे या स्लीव्स पे आप अटैच करेंगे इस तरीके से। और फिर उसमें से सबसे लास्ट वन में से आपने गुजारनी है सुई को, और फिर उसमें से 4 मोती लेके, एक बड़ा पर्ल लेके, और जो है वो शर्ट में अटैच करनी है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो एक डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ आपको वो तरीका बताया गया है। सो माय डियर फ्रेंड, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें
और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगर वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 पर्ल्स लेने छोटे और उसके बाद बड़ा क्रिस्टल लेना है, फिर 3 पर्ल्स लेने हैं, फिर लास्ट में से गुजार के निकालना है स्विंग को, फिर इसी में से आप कपड़े से लेके कपड़े में से लेना है स्विंग को, फिर उसके बाद पर्ल में लेके और क्रिस्टल में लेके पर्ल में लेना है स्विंग को, फिर उसके बाद जो है 4 क्रिस्टल लेने हैं और फिर उसी को जो उसके अपोजिट जो है पर्ल उसमें से आपने गुजारना है और देख ही सकते हैं अभी एक खूबसूरत फ्लावर जो है वो टसल क्रिएट कर दिया गया। जाने से पहले मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।